हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। जैसा कि आप स्क्रीन पे थंबनेल पे देख पाए होंगे कि ये वीडियो मेरे किसी गार्डन के बारे में नहीं है, किसी बीमारी के बारे में नहीं है। ये सिंपल एक मोटिवेशनल वीडियो है जो कि बहुत सारे हमारे जो है न्यू रोजेरियन जो होते हैं, जो नए नए लोग गुलाब उगाना शुरू करते हैं, उनके साथ जो समस्याएं आती हैं उनसे निजात पा करके कैसे एक व्यक्ति ने जो है बहुत अच्छा गार्डन क्रिएट किया है, खास करके गुलाबों का। बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हार्मोन डालो, मंडे से सैटरडे तक का ये शेड्यूल है, इस तरह से करो। ये बहुत लोग करते हैं, कराते भी हैं, और इवन मैंने भी एक टाइम पे फॉलो किया था इस चीज़ को। लेकिन गुलाब उगाना नेचर के साथ जो है खिलवाड़ करने जैसा आजकल हो गया है कि आप गुलाब उगा रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा उसका दोहन कर रहे हैं। तो इन सभी से आपको अगर पार पाना है, एक अच्छे वे में एक अच्छा गुलाब जो है अपने छत पे उगा सकते हैं, कम पेस्टिसाइड में, कम फर्टिलाइजर में, और एक आराम से, जैसे कह सकते हैं कि आपको उसका लाभ ज़्यादा मिले। अब ये नहीं है कि आप एक कंपटीशन में उतर जाइए, गुलाब को सीखिए मत, गुलाब को लगाना मत सीखिए, बस ये कि हाँ फला आदमी ने इतने गुलाब किए हैं तो मैं भी उतना ही करूं। तो आज की वीडियो उसी पे है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो अभिषेक जी के गार्डन की है जो दिल्ली में रहते हैं, और इनके गार्डन का आज ये पूरा का पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख पाइए कि कितने अच्छे तरीके से, कितने बेहतर तरीके से इन्होंने गुलाब उगाए हैं, और सिर्फ 2 महीने में इतना गार्डन क्रिएट हुआ है। प्लांट्स नवंबर दिसंबर के टाइम में लगाए गए थे, उसके बाद से इनमें क्या कैसे काम करना है, किस पद्धति पे काम करना है, ये सारी चीज़ इन्होंने मेरे गाइडेंस में करी है। मैं ये नहीं कहता मैंने सब कुछ इन्हें सिखाया है, मैं बहुत ज़्यादा मैंने किसी को सिखाया नहीं है, मैंने नॉर्मल चीज़ें सिखाई हैं लोगों के, गुलाब को बचाना कैसे है, गुलाब को मरने नहीं देना है। तो बस मैंने यही चीज़ सबको सिखाई है, बाकी एनपीके इतने सारे हैं, कोई भी देंगे आपको रिजल्ट्स आएगा ही आएगा। तो ये सारी वीडियो जो है आज मैं उन्हीं लोगों के डाल रहा हूँ कि आप लोग भी मोटिवेशन फील करिए कि अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। जो ये बोलते हैं कि संसाधनों की कमी है, हमें वैरायटी नहीं मिलती है, तो इन्होंने सारी कुछ चीज़ें करी हैं और मेरे गाइडेंस में इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। तो ये कहने का मतलब है कि इन्होंने एक अच्छे गाइडेंस में बहुत सारी चीज़ें करी हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि इनके छत के गुलाब जो है कितने बेहतरीन तरीके से जो है उग रहे हैं। अभी 2 महीने में अगर इतनी अच्छी ग्रोथ है तो आप आगे देख सकते हैं कि आगे के टाइम में कितनी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और इसमें मैं आपको सिंपल से बता दूं कि इनमें सप्ताह में 2 बार की फीडिंग है, और पेस्टिसाइड, पानी, ये 3 चीज़ों का जो प्रयोग है कि खाना, दवाई और पानी, ये 3 चीज़ों का सामंजस्य ऐसा बैठा करके काम किया गया है कि पौधे हेल्दी भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर पेस्टिसाइड भी ना हो, ओवर फीड भी ना हो, और पौधे अंडर कंट्रोल रहे हैं। नहीं कि आप 2-2 महीने में रिपोर्ट कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, पानी डालना है, ये डालना है, वो डालना है। जैसे कह सकते हैं साइंटिफिक तरीके से आपने काम किया है तो उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे होंगे। इन्होंने अच्छा खासा फॉगर भी लगा के रखा है, जो कि बहुत पहले इन्होंने लगाया था, आई थिंक लास्ट ईयर लगाया था, तो मेरी उनसे तब उतनी बात नहीं होती थी रोज़ के लेकर के, लेकिन अभी क्या है इन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले ये सारी वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करेंगे आपसे।
ये देख पा रहे हैं इनका ये फॉगर सिस्टम है, यहाँ से इन्होंने सप्लाई ले रखी है। यहाँ पे इन्होंने एक टाइमर और मोटर दोनों बिठा रखा है जो हर 10 मिनट 15 मिनट पे ऐसे करके इनका जो है आधे आधे घंटे दो दो घंटे पे ये टाइमर आप फिट कर सकते हैं। और ये देखिए फॉगर चलते हुए का वीडियो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कैसे लगाना है फॉगर, क्या लगाना है। अगर इसके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है फॉगर के बारे में, तो मुझे लगता है कि आप इनसे पर्सनली संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। इनका एक पेज भी है, उस पर जाकर के अगर आप इनको मैसेज करेंगे, मैं पेज का जो है स्नैपशॉट आपको दे दे रहा हूँ, तो ये बता देंगे और कितने प्राइस में मिल जाएगा, कैसे सेटिंग होती है, सारा कुछ समझा देंगे। इस आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत कुछ इसमें डिटेल नहीं था, बस इतना था कि आप इसको देखिए और फील करिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता हूँ, बेबी फीडिंग में क्या देना है, मास्टर फीडिंग में क्या देना है, बड़े पौधों को क्या देना है, तो उसके लिए आप देखते रहेंगे। और बाकी आने वाले टाइम में मैं डिटेल इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी चीज़ें बताऊँगा जो भी मेरे एक्सपीरियंस में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।